दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन लगता है वो रिपेयर हो सकता है या नहीं, और रिपेयर हो सकता है तो किस चीज़ में रिपेयर हो सकता है, ये आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये देख लीजिए, जो माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन प्रयोग किया जाता है ये वो पार्ट्स हैं। इससे आपका खाना हीट होता है मैग्नेटिक करंट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है जिससे आपका खाना गर्म हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम ओपन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ रिपेयर होने लायक होती है और क्या चीज़ नहीं। जब तक हम इसको ओपन कर रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसका खोलने का तरीका सबसे आसान, इसके साइडों में हल्के हल्के से कैप होते हैं, उनमें डाल के आप टेस्टर की सहायता से इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं दो आपके सामने कॉयलें दिख रही हैं, ये फिल्टर की तरीके से काम करती है, दोनों साइड में लगी हुई हैं। और यही पॉइंट कभी कभी अगर आपका जल जाता है तो ये रिपेयर हो जाता है। ये पॉइंट अगर यहाँ से जल जाता है तो रिपेयर हो जाता है, टाका लग जाता है। और इसमें अंदर का कोई भी पार्ट्स रिपेयर नहीं कर सकते आप, जो मेन रिपेयरिंग वाला होता है वो यही होता है। कभी कभी ये जो होल्डर आपका लगा हुआ ये भी शॉर्ट हो जाता है, तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या होता है कि बॉडी के थ्रू शॉर्ट हो जाता है, तब इसको हम निकाल के कोई पुराना मैग्नेट्रॉन आपका पड़ा हो उसका लगा सकते हैं, तो ये काम कर जाता है। और इसके आगे का जो सिस्टम है वो कोई रिपेयरेबल होता नहीं है। इसके अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, जो अंदर कुंडली बनी हुई है, उसकी फोटो हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस माइनस में इसके अंदर घूमते हैं और घूम के बाहर निकलते हैं, जो हमारा खाना रखा होता है उसको गर्म करते हैं। किस तरीके से, थोड़ी सी हम आपको डिटेल में जानकारी इसकी देंगे। मैग्नेट्रॉन को वैसे मुश्किल से 10% चांस होते हैं रिपेयर होने के, वरना ये रिपेयर नहीं हो पाता है। इसको हम एम्पेयर मीटर की सहायता से चेक करके भी दिखाएंगे आपको कि शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा और बॉडी शॉर्ट होगा आपका अगर होल्डर, तो ये जो होल्डर लगा हुआ है तो रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने मीटर मैंने रख दिया, इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया। ये देखिए बीप का साउंड आ रहा है, ये देखिए ये दोनों पॉइंटों पे बोल रहा है। अब इसको बॉडी शॉर्ट हम चेक करते हैं। इस तरीके से एक पॉइंट पे लगा के आप बॉडी शॉर्ट चेक कर सकते हैं, बॉडी शॉर्ट है या नहीं। ये देखिए बॉडी शॉर्ट नहीं है। और इधर से इस साइड भी देख लेते हैं, करंट इसमें पास हो रही नहीं, ये देखिए पास हो रही है। तो इसके बाहरी हिस्से यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत होती तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ये देखिए दोनों साइड। अब इसको हम खोल के दिखाएंगे इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो आपके खाने को गर्म करती है। इसको एक पिक के 3D पिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरीके से इसमें मैग्नेट्रॉन वर्क करते हैं। इसका प्रयोग पहले जो बड़े बड़े मैग्नेट्रॉन फील्ड उत्पन्न करके बड़े बड़े जो भट्टियाँ होती थी उनमें भी यूज किया जाता है, और बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव में कम समय के लिए में खाना गर्म होने के लिए इसको लगाया जाता है। ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपका खाना गर्म कर देता है, और आपकी जो माइक्रोवेव में ओवन में रॉडें लगी होती हैं उनमें टाइम लगता है, तो इसलिए इसका प्रयोग जल्दी काम करने के लिए किया जाता है। बहुत फास्ट इसका सिस्टम होता है कि आप खाना रखेंगे तुरंत गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसको खोलने के लिए आप लोग प्लास या कोई चीज़ हो आपके साथ जिससे ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, फिर पेचकस की सहायता से इसके अंदर दबा के इसको खोल सकते हैं। अब इसको हम खोल के आपको दिखाएंगे। सावधानी पूर्वक खोलिए वरना ये हाथ में लग सकता है। देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और इसके अंदर क्या निकलेगा सामान ये देखिए। ये देखिए इसका एक ये पर निकल गया है,
दूसरा आपका एक मेंट्रल लगा हुआ है, इसको भी हम निकालते हैं। ये भी निकल चुका है। इसमें मैग्नेट बहुत तेज होता है तो संभाल के निकालें, आपको ये भी ना दब जाए। ये देखिए ये बाहर आ गया, ये एक प्लेट इस तरीके की निकली और फिर ये निकल के आया एक मैग्नेट। अब ये देखिए इसमें क्या निकलता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये इसके फिंच लगे होते हैं हीटिंग को निकालने के लिए बाहर, ये देख सकते हैं आप। फिंच निकालें, बहुत सावधानी पूर्वक निकालें, हाथ में चोट लग सकती है आपके। एक निकल गया, और ये जिसके फिंक्स होते हैं ये एल्युमिनियम के होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए एल्युमिनियम के लगाए जाते हैं। लोहे के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि आपको उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडे होने में, इससे क्या होगा आपका मेटल फूट जाएगा। दो प्लेटें निकल के बाहर आ गई, ये देखिए इस साइड का पूरा मैग्नेट निकल आया है। ये दूसरा चुम्बक, थोड़ा सा तेजी से चिपका हुआ है, ये देखिए ये भी निकल आया है। और इसमें ये फ्रंट साइड में बैक साइड में ये लगी होती है एक तरीके की, और इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो हम दिखाएंगे अभी आपको। सारी पत्तियां निकल चुकी हैं, अब ये लास्ट में जो निकला है पार्ट्स वो ये है। ये ऐसे अंदर होता है एक, इसके अंदर की संरचना भी आपको पे किसी भी डाल देंगे किस तरीके से इसके अंदर की संरचना होती है और क्या इसके अंदर लगा होता है। ये देखिए इसके अंदर एक स्लाई टाइप की कॉपर की ऊपर आई हुई है, ठीक है। ये देखिए ये इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।